टाइम इज 7:42 और सभी रेडी हो चुके हैं, बस यहाँ से निकलना है, जल्दी जल्दी निकलते क्योंकि चेकआउट का टाइम है यहाँ का 11 AM। तो उसके पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं क्योंकि सारा लगेज वगैरह बैग पे लेके घूम नहीं सकते, तो एक बार रूम की हालत देख लो आप। ये कुछ ऐसा सीन है रूम का भी। ओके गाइस, नाउ द टाइम इज 9:30 और हमें लगा था कल हमने गूगल पे रेवड़ गार्डन के बारे में सर्च किया तो बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज और ग्रीनरी और बहुत कुछ आया था, पर यहाँ आकर देखा तो पूरा सीन ही पलट गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक दो फोटो निकाले, पीछे वही काम चल रहा है। तो यहाँ कुछ देखने के लिए ऐसा है नहीं कि इतनी दूर आकर इस जगह को स्पेशली देखने के लिए आए, तो फिलहाल मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जब यहाँ आ रहे हो तो ये लोकेशन स्किप करके और दूसरे लोकेशन पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो बस यहाँ का कुछ दिखाने को है नहीं वैसे तो, पर एक दो सिनेमैटिक लेते और निकलते यहाँ से। इसके बाद जाएंगे, आई थिंक इसके बाद लेक साइड पर जाएंगे कोई तो, क्योंकि यहाँ पर दो तीन लेक है, तो देखते हैं कौन से लेक पर जाना है और मिलते हैं सीधा वहीं पे। टाइम इज 9:45 और अभी रूम चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि जहाँ पर जाना है वो लेके यहाँ से बहुत दूर है, तो वापस आना पॉसिबल नहीं है 11 बजे तक, और रूम एक्सटेंडेड करके भी कोई फायदा नहीं, हमें आफ्टरनून में घर के लिए निकलना है, तो इट्स बेटर टू चेकआउट दिस रूम और मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो वी आर एट द तुंगरली लेक, बहुत बढ़िया सीन है, बैठने के लिए बहुत शांत जगह है, तो बैठते हैं यहाँ पर। और आगे दो स्पॉट और हैं तो वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, बस ये लास्ट तीन स्पॉट करेंगे और निकल जाएंगे घर को। ये ट्रिप बहुत अच्छा था ऐसा मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप था, तो आप कुछ सिनेमेटिक देख लीजिए तब तक और टाइम लैप्स भी। भाविक तो चला गया यहाँ से, ये ट्रेन स्टेशन है और हम भी यहाँ से 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। तो अभी सीन ऐसा है कि ये जो बैग यहाँ पर स्ट्रैप किया है, तो ये स्ट्रैप, ये जो डोरी है, ये जो स्ट्रैप है इस पे बैग थोड़ा सा हिल रहा है, तो आई थिंक हमें और थोड़ा सा स्ट्रैप लेना पड़ेगा बैग फुल टाइट करने के लिए, क्योंकि हाईवे पर एक आध खड्डा आ जाए तो बैग पूरा निकल के गिर जाएगा पीछे। तो पहले एक रोप लेते हैं और फिर निकलते हैं ऑन द वे टू होम। तो सी यू सून गाइस ऑन द रोड।